हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हरिश्चंद वर्मा अयोध्या से हूँ। हमने 2019 में हंडिया पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया था। हमने यूट्यूब के माध्यम से सिविल गुरुजी के बारे में कुछ जाना, वहाँ से कुछ वीडियो देखे कि यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो हमने यहाँ प्रयागराज ब्रांच में विजिट किया, हमने देखा जाना, हमें अच्छा लगा। हमने यहाँ पे कोर्स ज्वाइन किया, हमने यहाँ पे कुछ पढ़े, जैसे इस्टीमेशन और कास्टिंग के बारे में हमने जाना। हमें करीब 8 से 10 दिन पढ़ते हुए हो गया है, तो हमने यहाँ पे कुछ सीखा हुआ है। तो मैं इसमें आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे जैसे प्लिंथ लेवल तक हमारा अगर स्ट्रक्चर संरचना तैयार हो गया है, जैसे हम किसी बिल्डिंग का प्लाट का अगर प्रोजेक्ट मिलता है, तो जब हम वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ से स्टार्टिंग में नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि जो बना रहता है तो उसी लेवल पे हम उसे चेकआउट करते हैं, उसके बाद फिर उसे देते हैं। जैसे हम यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे सुपर स्ट्रक्चर एलिवेशन के बारे में, जैसे प्लिंथ लेवल तक आपका ये सब स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसके बाद जो हमारी जो कुछ हम निर्माण करते हैं उसे सुपर स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। जैसे सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर हम डोर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे डोर लगा हुआ है, ये हमारा डीपीसी होता है। यहाँ पे जैसे होता है प्लिंथ लेवल, डीपीसी होता है 50 mm का, तो इसके ऊपर हम ऑनलाइन ब्रिक वर्क कर देते हैं। ऑनलाइन ब्रिक वर्क करने के बाद फिर हम 50 mm की डीपीसी करते हैं, जिससे ये होता है, जैसे हमारे फर्श पे कोई अगर पानी उनी गिरता है कहीं से, या ऊपर से छत से आया पानी, जैसे मान लीजिए फर्श पे आ गया, या साफ़ सफाई करनी हो, या और पानी कहीं से आया, तो जैसे ये होता है कि कैपिलरी रिएक्शन होता है, उससे पानी ऊपर चढ़ता है। जैसे हम अगर डीपीसी देते हैं तो पानी उतना ऊपर तक नहीं जा पाता है, डीपीसी होता है तो ये रोकता है, इसीलिए हम डीपीसी देते हैं। उसके बाद हम फिर यहाँ पे ब्रिक वर्क करते हैं। ब्रिक वर्क हम वहाँ तक करते हैं हमारा जहाँ सील बांड होता है। सील बांड हमारा 100 mm का होता है। सील बांड जो होता है, इस पे हम जैसे होता है कि हमें विंडो लगानी है, तो विंडो हम सील बांड के अपर से, और हमारा एक लिंटल बीम होता है जो डोर के अपर पर होता है, लिंटल बीम के डाउन में और सील बांड के अपर में हम अपने विंडो को सेट कर देते हैं। जो हमारा सील बांड होता है, यहाँ साइड में ब्रिकवर करते हैं जो स्पेस रहता है, और हमारा ये जो सील बांड जो होता है, एक हमारा एक काम और करता है। जैसे मान लीजिए अगर ये लिंटल वाली बीम है जो ऊपर की, इसके नीचे जो हम ब्रिकवर के किए हैं, अगर ये नीचे सील बांड अगर हम नहीं देंगे तो ये जो लिंटल बीम का जो प्रेशर है तो ये इस ब्रिक पे और इस ब्रिक पे पड़ेगा, बीच में स्पेस है, यहाँ पे भी पड़ेगा। यहाँ अगर ज़्यादा लोड पड़ा तो यहाँ पे करक भी हो सकता है, इस करक की वजह से यहाँ पे भी करक आ सकते हैं, यहाँ पे भी करक आ सकते हैं। इस वजह से हमारा ये जो सील बांड है ये भी एक सेफ्टी के रूप में कार्य करता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ब्रिक वर्क कर देते हैं। अगर हमें वेंटिलेशन भी लगाना हुआ तो हम यहाँ पे साइड में वेंटिलेशन लगा सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार।
जितना साइज देना हो उतना हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद फिर हम स्लैब बीम लगाते हैं। वेंटिलेशन इसलिए लगाते हैं ताकि जैसे हमारे कमरे में रोशनी आती रहे, ये रोशनी के लिए होता है। बस इतना ही कहना था दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग भी आइए, विजिट कीजिए सिविल गुरुजी में और ट्रेनिंग कीजिए और फ़ायदा लीजिए। ठीक है।